ये देखो भाई काटा टोली है, सॉरी कोकर से काटा टोली की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम एकदम जारी है, पुल यहीं से स्टार्ट हो रहा है। काटा टोली वाला जो पुल है ना, यहीं से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा तो मिलेगा डोंडा वोंडा तरफ जाके। रोड एकदम बहुत बुरा है, धीरे धीरे जाना होगा, है ना। ये देखिए पूरा कंस्ट्रक्शन का काम भाई, जाम 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 कंस्ट्रक्शन का काम जब तक चलेगा ओवरब्रिज का, ऐसा ही जाम देखने के लिए मिलेगा अभी। खैर धीरे धीरे हम लोग निकल रहे हैं, ये स्कॉर्पियो वाला भाई सबको थोड़ा जल्दी है तो इनको जल्दी घुसने देते हैं, फिर साइड साइड से निकलेंगे। और एक जन को ज़्यादा जल्दी है तो जल्दी वाला लोग ज़्यादा मिलेगा, तो ऐसा वाला गड्ढा में जाता है अभी, है ना। रात का मिला रहता तो ठेल भी देते हो, नहीं ना साइड काट के चल जाता जल्दी में। खैर ये देखिए देखिए ये वाला हिस्सा में दुकान वगैरह भी निकाला गया है, जिससे ओवरब्रिज का काम पूरा हो जाएगा तो दुकान वगैरह भी लोगों में बांटी जाएंगी, है ना। इधर पुरानी गाड़ियाँ लगी हुई है सेल में, आपको स्कॉर्पियो जैसी बड़ी गाड़ी चाहिए सेल वाली तो रांची आ जाओ भाई, बहुत ऑप्शन मिलेगी और सस्ते में मिलेगी। ये तो ओवरब्रिज का ये वाला हिस्सा भी आपको इस तरह का काम अभी कंस्ट्रक्शन। एक चीज़ तो है ओवरब्रिज का काम होने से अब बीच रास्ते में आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा ठंडा देखने के लिए मिलेगा, जो अब धूप से थोड़ा नहीं बहुत राहत मिल गया, है ना। देखिए छाँ ही छाँ दिख रहा और ना धूप ही धूप दिखता। अब जितना दूर तक रहेगा ओवरब्रिज उतना आपको एकदम ठंडक का एहसास होगा, बरसात में भी बचने का मौका मिलेगा बारिश वारिश में। चलिए और हर जगह पुल का निर्माण हो रहा तो बहुत बढ़िया है, इधर का लग गया उधर का लगना। तो भाई साहब हम लोग आ गए आज दूसरे दिन रांची रेलवे स्टेशन, कल तो मात्र 80 रुपये कमाए थे, सेकंड टाइम में गाड़ी निकाले तो 500 रुपये 450 रुपये के आसपास हुआ था। आज लेट से आए हैं, देखते हैं कितना कमाई होता है। तो भाई 1:20 हो गया, हम लोग सवारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं चांस कम ही लग रहा है। वंदे भारत लास्ट है गाड़ी हम लोग का, वंदे भारत में अगर मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो फिर हम लोग यहाँ से चल देंगे। टाइम लगेगा, पूरा कतारी का मजा ले रहे थे। तेरा भी आ रहा है इसमें देखो। मैं क्या कहता हूँ, जब मर्द पैसे कमाता है तो उसकी घर में इज्जत होती है, जब बहुत ज्यादा पैसे कमाता है तो उसकी समाज में इज्जत होती है, और अगर वो पैसे नहीं कमाता तो ना उसकी घर में इज्जत होगी ना समाज में। और अगर एक्चुअल में देखो कभी भी कुछ भी हो जाए ना तो अतुल का ई रिक्शा मत लीजिएगा, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि मत लीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ, लाइन पर रहिएगा। सर्विसिंग के बाद ना मेरा ये चारों 3 नट खुल गया था, तो हम जो बंदा को भेजे थे तो बोला कि भाई कि अगर मेरा गाड़ी एक्सीडेंट कर जाता 3 नट खुल गया था तुम लोग सर्विसिंग के बाद ना टाइट कहने के, तो लोग फ्री में दिया। लेकिन जब एक बार एक नट ये खुल गया था, ये वाला नट है ना, तो नट हम लेने गए सर्विस में सिंगल वाला, वो हमसे 150 रुपये ले लिया, और हम पूछे थे 1 नट का 150 रुपये भाई, वो 10 रुपये का नट ले लिया हमसे 150 रुपये। सोच लीजिए 15 गुना ज़्यादा। इसलिए अतुल का ई रिक्शा मत लीजिए, और गलती से खरीद भी लिया है तो उसका सर्विस सेंटर में सर्विस मत कराइए, बाहर करवाइए। और उसने मुझे कहा ठका ये भी बताता हूँ, रुकिए सब। ये एस्केलेटर, ये जो रिवर्स वाला बटन है, ये एक बार ना बैक ही थे तो बैक ही हो गया था, तो वायरिंग प्रॉब्लम था, उसको लगाने गए तो वायरिंग का 400 और इस मुट्ठा का 400 आने के 800 रुपये ले लिया था, जबकि कीमत कितना है मार्केट में 200 से 300 रुपया बहुत था, लेकिन वो हमसे 300 की जगह 800 रुपये लिया, डबल से भी ज़्यादा। तो कभी भी अतुल का ई रिक्शा मत खरीदिए, और अतुल का अगर ये ऑनर देख रहे हैं तो वो भी एक बार सुन लें कि आपका जो मैनेजर है सर्विस सेंटर का चोर है, मैनेजर मनीष राम है उसका, काटा टोली का जो मैनेजर है, इतना ज़्यादा ठगी बेकार है। अबे सिंगर जल्दी से खाओ गाओ मत, ठीक है, तब तक हम आते हैं। गाड़ी में भाई साहब डाल देते हैं 1.5, गाड़ी का बैटरी में पानी डाल देते हैं, है ना, 1.5 लीटर पानी है, 2 बैटरी बचा हुआ था ना, इसमें डाल देते हैं। चलिए यहाँ पे रखते हैं, गाड़ी तो चला नहीं ज़्यादा लेकिन फिर भी चार्ज लगा दिए, कब किधर का पैसेंजर मिल जाए कहना मुश्किल है, तो गाड़ी हमारी चार्ज हो रही है धूप में ही। देखिए पापा क्या कर रहे, पापा खोल रहे हैं, किस्मत बदल गया। अरे एक आवाज कहाँ से आ रहा है, कुछ हो आवाज आ रहा, तुम खरीदे तो गड़बड़ तुम नहीं, किस्मत बदल गया। एक बार देखिए, हाँ ठीक पानी नहीं, कहीं तो गड़बड़ तो नहीं ना हो गया। देखिए पापा क्या कर रहे आप, पानी डाल रहे, किस्मत बदल गया। बार बार किस्मत बदल गया क्यों आ रहा है यार, किस्मत बदल गया। किस्मत बदल गया तेरा तू ही जाने। पूरा पानी तो नहीं भरा है, बट काफी है, देखते चलिए हो गया है।
Welcome to Nebop Home Lifts. Sleek, safe, and designed for your comfort. Accessible for everyone in your home. Loved by families. Trusted by many. Nebop Home Lifts. Elevate your home. Elevate your life. Sleek, safe, and designed for your comfort. Accessible for everyone in your home. Loved by families. Trusted by many. Nebop Home Lifts. Welcome to Nebop Home Lifts. Sleek, safe, and designed for your comfort. Accessible for everyone in your home. Loved by families. Trusted by many. Nebop Home Lifts. Elevate your home. एक ही बैटरी में पानी डाल पाएगा भाई साहब? पानी बहुत सूखा हुआ है। जिसमें सबसे ज़्यादा पानी सूखा होगा ये बैटरी या ये फिल्टर, उसी में डालेंगे पानी। ज़्यादा पानी नहीं है। किस्मत बदल गया। देखिए आ गया पिंटू भाई साहब। कितना चला है? कितना चला है? हाँ अभी निकालेगा। टाइम लगेगा, पूरा कतारी का मजा ले रहे थे। तेरा भी आ रहा है इसमें देखो। मैं क्या कहता हूँ, जब मर्द पैसे कमाता है तो उसकी घर में इज्जत होती है, जब बहुत ज्यादा पैसे कमाता है तो उसकी समाज में इज्जत होती है, और अगर वो पैसे नहीं कमाता तो ना उसकी घर में इज्जत होगी ना समाज में, और अगर एक्चुअल में